नमस्ते, बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर अब जब चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, चुनाव को लेकर के इस बीच में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, तमाम सियासी दलों के जो समीकरण हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इस बीच में कुछ चीज़ों की जो चर्चाएं हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव भी देखा गया है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड जैसे जो मामले चल रहे थे वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहीं पीछे छुपते हुए दिख रहे हैं। अब एक चर्चा ये भी होने लगी है कि जो उसमें नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख रहा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा समीकरण बदल करके रख दिया है। सर समझना मैं ये चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसने भाजपा के चुनावी रणनीति को सीधे सीधे प्रभावित किया? अगर प्रभावित किया तो क्या कुछ असर रहा उसका, और क्या ये जो टिकट वापसी का दौर चल रहा है वो भी इसी का हिस्सा है? देखिए राम प्रकाश जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ये चुनावी बॉन्ड के रहस्योद्घाटन के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अगर नीति गलत नीति बनाने से किसी सरकार के मंत्री को और उसके मुखिया को जेल में डाला जा सकता है। भाई ये कहा गया ना कि शराब नीति गलत बनाई, क्योंकि गलत नीति बनाई इसलिए उनको जेल में डाल दिया, यही तो आरोप है। अभी तक शराब नीति को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक नहीं कहा। आज तक ये बताइए, जितने भी सरकारी कानून और नियम बने हैं आज तक 75 साल के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट ने किसको असंवैधानिक कहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है? 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जो संवैधानिक पीठ है, चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी कहा है, असंवैधानिक कहा है। तो अगर एक संवैधानिक नियम बनाने पे सरकार के चार चार पांच पांच मंत्री जेल जा सकते हैं, तो असंवैधानिक नियम बनाने के लिए पीएम और सारे कैबिनेट बीजेपी के जेल क्यों नहीं जाने चाहिए? असंवैधानिक, इसका माने आपने जानबूझकर। अच्छा एक मुद्दा तो ये, अच्छा एक गलती तो ये हुई कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि शराब में घोटाला हुआ, अच्छा बंद जिन लोगों को किया उन पे कोई मनी ट्रेल नहीं है। अच्छा हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उससे एक फायदा जरूर हो गया, कोरिलेट हो गया। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और भारत सरकार ने ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ये आंकड़े ना मांगे, खुलासा ना मांगे। जब इलेक्शन हो जाए उसके बाद खुलासा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हम लोगों को जो नकली दवाइयां ठोकी गई थी वो चुनावी बॉन्ड की वजह से ठोकी गई थी, हमको जो वैक्सीन, एक फर्जी वैक्सीन लगाई गई थी वो चुनावी बॉन्ड, क्योंकि उस वैक्सीन मेकर ने बनाया था इसलिए उनसे चुनावी बॉन्ड लेके हमको लगाई गई थी, तब न पता चलता जनता को कि जनता वोट दे चुकी होती, तब अरविंद केजरीवाल को बंद कर देते, सारे लोगों को बंद कर देते और ये कहते कि नहीं ये तो कोई कोरेले। अब ये मुश्किल क्या हुई, जब सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में नहीं आया, जो उसको नहीं आना चाहिए भाई, सुप्रीम कोर्ट है, जब उसने निर्णय दे दिया कि ये सूचना दीजिए, अच्छा जो सूचना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 सप्ताह का टाइम मांग रहा था उसको 2 दिन के अंदर सूचित कर दिया, इसका मैंने इंटेंट गलत थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटेंट गलत थी, मतलब झूठ बोल रहा था, परजरी का केस है, कानूनी भाषा में इसको परजरी कहते हैं, कि आपके पास जानबूझकर आपने कानून से तथ्य छिपाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तथ्य छिपाए, उनको गुमराह किया, उनका टाइम वेस्ट किया, परजरी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को और उनको अंदर करे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा आप कोरिलेशन देखिए भाई, अगर शराब नीति बनी, मान लीजिए गलत शराब नीति बनी मान लीजिए, तो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर को जो चुनावी बॉन्ड है वो खरीद कर उसको देना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को तो नहीं दिया उसने दिया बीजेपी को, इसका मतलब यह है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उसने बीजेपी को पैसा दिया। अच्छा इसलिए नहीं दिया कि चुनाव, ये जो शराब नीति बनी वो गलत बनी, अगर दिया होता तो आम आदमी पार्टी को दिया होता, उसने दिया बीजेपी को, बीजेपी को क्यों दिया, क्योंकि शराब नीति बीजेपी ने तो बनाई नहीं थी, बीजेपी ने क्या किया था, बीजेपी के राइट हैंड मित्र ईडी ने रेड्डी साहब को बंद किया, रेड्डी साहब से स्टेटमेंट लिए, रेड्डी साहब ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 3-4 बार नाम नहीं लिया, उसके बाद जब उनको दबाव डाला गया
उनको बेल मिल गई, 5 करोड़ का बॉन्ड उन्होंने खरीदा, बीजेपी को दिया, बेल मिल गई, 50 करोड़ और दिए, लंबी बेल मिल गई। किस आधार पे? कि पीठ पे दर्द है। जिसका नाम नहीं लिया था उसका नाम ले लिया। तो यहाँ पे तो देखिए कानून के अंदर बड़ी अच्छी चीज ये होती है, देर हैज टू बी ए सर्कमस्टेंशियल प्रूफ। सर्कमस्टेंशियल प्रूफ क्लियर कट दिखा रहे हैं कि शराब नीति से इस घूस मामले का कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना जो घूस का है, जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 15 करोड़ की घूस है, वो बीजेपी को इसलिए दी गई शराब नीति की वजह से नहीं, उनको बेल दिलाने की एवज में मिली। और ईडी ने इसमें कॉन्स्पिरेटर थी, 120B का मुकदमा ईडी के ऊपर बनता है। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं 100 करोड़ का कैश उन्होंने दिया, जिसको आम आदमी पार्टी ने गोवा के अंदर यूज किया। अरे भैया 100 करोड़ रुपए किस चीज में आए होंगे? पर्स में आए होंगे क्या? सूटकेस में आए होंगे? किसी बैंक से पैसा निकलवाया होगा? उसकी बैंक के 100 करोड़ निकालने की कुछ रिसीट्स होंगी? उसको कोई आदमी लेके ट्रेवल किया होगा? किस आदमी ने ट्रेवल किया? ये भाई मैं कोई ईडी का अफसर नहीं हूं, ना मैं कभी पुलिस अफसर रहा, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहता है भाई अगर 100 करोड़ आया, किसी ने आरोप लगाया 100 करोड़ इनसे लिए, भाई किस बैंक से निकाला, कौन लेके आया, किसको दिया, किस हवाई जहाज से आया, किस ट्रेन से आया, किस कार से आया, कहाँ दिया, किसको दिया, फिर वो दिल्ली से गोवा कैसे पहुंचा? अरे ट्रेन तो निकाल, अच्छा कहीं सीसीटीवी में कोई फुटेज होगी? मुख्यमंत्री के आवास में गए होंगे, किसी 5-स्टार होटल में गए होंगे, वहां भी सीसीटीवी लगे रहते हैं हर जगह। तो आप निकाल सकते हैं कि अगर 100 करोड़ आम आदमी, अच्छा फिर ये सोचिए आम आदमी पार्टी को अगर 100 करोड़ की घूस लेनी थी तो कैश में क्यों लेता? भाई कैश में लेने में मान लीजिए ले लीजिए घूस और आप घर जाते समय पुलिस आपको अरेस्ट कर ले और जेल हो जाएगी। अरे चुनावी बॉन्ड तो कानूनी था उस समय ना, 100 करोड़ कानून चुनावी बॉन्ड में आम आदमी पार्टी ले लेती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ लिए नहीं, 55 करोड़ बीजेपी ने ले लिए उनको बेल दिलाने के एवज में। तो घूस देने वाला रेड्डी बाहर, घूस लेने वाली बीजेपी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अंदर किसको कर दिया? आम आदमी पार्टी को, जो ना घूस लेने में है ना देने में। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने हर तरफ से फंस गए। आज के तारीख में हेमा मालिनी, इनकी मथुरा से एक शॉर्ट शॉट सीट थी वो भी फंस गई है, तो उसमें भी बॉक्सर विजेंद्र सिंह थे वो मथुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाट हैं, और जाट बाहुल्य सीट है। हेमा मालिनी के मथुरा में योगी जी मीटिंग करने गए, 1000 लोग नहीं थे, तो वो भी अभी तो धीरे धीरे इनके पैर ऐसे उखड़ रहे हैं कि इनको ये पता चल रहा है कि जनता को जो इन्होंने दबाया है और उनको दबंगई से गुंडई से दबाया है, इसका प्रतिफल इनको मिलने वाला है। लेकिन एक तरफ सर बात जब होती है इलेक्टोरल बॉन्ड या भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों की, दूसरी तरफ जो सत्ता है, सत्ता पक्ष है, सरकारी जो पार्टी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है, वो लाभार्थियों की बात करती है, वो जो है कई सारे तमाम वो कहती है कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी की गारंटियों की बात करने लग जाती है। तो क्या जनता जो है वो इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से प्रभावित होगी, विपक्ष जो जिसको लगातार उठा रहा है, या फिर मोदी की गारंटियों को फिलहाल, क्योंकि पीछे के चुनाव में मोदी की गारंटियां ज्यादा मजबूत देखी गई हैं जनता के लिए। रामप्रकाश जी आप विवाहित हैं या नहीं? विवाहित हैं? सनातन धर्म में सबसे बड़ी गारंटी कौन सी होती है? सनातन धर्म में सबसे बड़ी गारंटी होती है जो अग्नि के साथ फेरे लेकर पति पत्नी जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ रहने की गारंटी देते हैं, उससे बड़ी गारंटी कोई नहीं होती। तो मैं तो अपेक्षा करता हूं जितने भी आपके श्रोता दर्शक हैं जो सनातनी हैं या मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, किसी धर्म में भी एक असहाय पत्नी को बिना तलाक लिए हुए छोड़ देना क्रूरता है, सबसे बड़ी गारंटी वो है। खैर मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना मेरा मंतव्य यह, इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत मानिए, मैं तो सनातन धर्म की व्याख्या कर रहा हूं। तो कौन सी गारंटी? अच्छा गारंटी क्या है? आपने 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, दे रहे हैं? आपने 3100 रुपए में छत्तीसगढ़ में धान खरीदने की गारंटी दी थी, दे रहे हैं? धान कितने में बिक रहा है? अच्छा छत्तीसगढ़ में अगर 3100 की खरीदेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं खरीदेंगे? फिर अगर पूरे हिंदुस्तान में खरीदेंगे तो एमएसपी के देने में क्या परेशानी है?
नहीं सर, लेकिन फिर ये जीत कैसे जाते हैं अगर सारी गारंटियां इनकी फेल हैं, उन्हीं गारंटियों की बात करके ये लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव हुए, अगर 50 साल कांग्रेस जीती क्यों जीत जाती थी? देखिए हिंदुस्तानी मानस जो है वो इतना ज्यादा भावुक होता है कि कोई आदमी हाथ जोड़ के कहे, एक वीपी सिंह हुआ करते थे, राजीव गांधी के सबसे विश्वसनीय थे, एक पर्ची लेके घुमा करते थे, बोफोर्स, बोफोर्स का नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, जनता ने विश्वास कर लिया और फिर विश्वास उन्होंने खो दिया। इसी प्रकार से गारंटी जनता पार्टी वाले दिया करते थे, इंदिरा जी को हटा दिया, 3 साल के बाद उनकी गारंटी फेल हो गई, जनता फिर कांग्रेस जीत के आ गई। तो 50 साल कांग्रेस जीती इसका मतलब थोड़ी है कि जनता जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, कांग्रेसों का, कांग्रेसियों का देश के प्रति जो समर्पण था उसको देखकर उन्होंने 50 साल कांग्रेस को शासन दिया और 2 सीटें थी बीजेपी के पास। तो ये थोड़ी उस समय अहंकार होता था एक अकेला सब पर भारी, पंडित नेहरू ने कभी कहा एक अकेला सब पर भारी? अब यहाँ मुश्किल यह है कि जनता ने विश्वास किया, वो एक विनोद राय साहब थे, वो भी आप भी राय साहब है, वो भी राय साहब थे, उन्होंने कहा कि साहब वो 100 पता नहीं कितने हजार करोड़ का घपला हो गया, 1,75,000 करोड़ का घपला हो गया, 2G में हो गया, 3G में हो गया, इसमें हो गया, उसमें हो गया, 10 साल हो गए एक भी घपला सिद्ध नहीं हुआ, कोई घपला नहीं है। हर चुनाव के पहले रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ लेते हैं, कभी हुड्डा जी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं। तो मुश्किल क्या है, जनता भोली भाली जनता ने विश्वास कर लिया कि 15 लाख मिलेंगे, भोली वाली जनता को लगा कि स्विट्स बैंक से पैसा आएगा हमको मिलेगा, ये स्विट्स बैंक में तो पैसा बढ़ गया। तो अब मुश्किल, अब जनता लेकिन है हिंदुस्तान की बड़ी चालाक, भावुक है, बातों में आ जाती है, लेकिन जब जगती है तो ऐसा धोबी पछाड़ मारती है कि उठ नहीं पाता पहलवान। इंदिरा जी को भी मारा था 77 में 80 में, जनता पार्टी को मारा था, इस बार वही होने वाला है। आप ये समझ लीजिए जनता में इतना बड़ा अंडर करंट है बीजेपी के खिलाफ, इतना बड़ा अंडर करंट है। हाँ बोले, नहीं आप अपनी बात पूरी करें फिर जरा हमें मसिंदी का, मुझे आप अभी जनता की विश्वास की बात कर रहे थे तो मुझे मसिंदी का सवाल याद आ गया, तो आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं मसिंदी का सवाल करूं। भाई आपने हिंदी की जितनी भी फिल्में देखी आज तक बचपन से, इंटरवल के पहले विलेन हावी होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 5-7 गुंडे आते हैं, गांव वालों को डांटते हैं, हड़काते हैं, बंदूकें दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं और गुंडाई करते हैं, और इंटरवल के बाद उन्हीं की पिटाई हीरो करता है। अब हीरो पहुंच गए हैं, हीरो आ गए हैं, हर प्रदेश के अंदर एक एक हीरो है, और उसके बाद अब देखिएगा विलेन जो है भागता फिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी लोग डर से निकल रहे हैं, लोगों को इतना आतंकित किया गया है, लोगों को पार्कों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा धमका दिया है कि बोलोगे तो मार देंगे, एंटी नेशनल हो तुम, एंटी हिंदू हो, फलाना हो, ढिकाना हो। जब सीना ठोक के हमने कहा और चुनौती दी, क्योंकि बाकी तो लोग चुनौती देते हैं तो ये उन्हें धकेल देते हैं, कुछ आरोप, ये साहब तुम मुसलमान हो, तुम देश विरोधी हो, क्रिश्चियन हो, देश विरोधी हो, सिख हो, खालिस्तानी हो। अब हिंदुस्तानी सनातनी ब्राह्मण पे आरोप लगा के देखे, शास्त्रों पे विवेचना करके देखे, मुझसे आ जाए सनातन धर्म में बात करके देखें। तो प्रश्न यह है कि मेरे जैसे लोगों से ये डरते हैं, अब कोई नहीं धमकाता है। अब इनकी पूंछ तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर पूंछ होती या इन्होंने कटवा लिया छुपा ली मेरे को नहीं पता, लेकिन ये बुरी तरह से डरे हुए हैं क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। राहुल गांधी ने जो कहा गिन गिन के अफसरों को जेल भेजा जाएगा और ऐसा तड़प इनको दिखाया जाएगा जैसा इन लोगों ने अपमान हम लोगों का किया है, ये लोग भी रगड़े जाएंगे। इन्होंने देश के लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। और जिस आदमी ने पेशाब किया था एक आदिवासी पे, और जिन 3 लड़कों ने BHU के अंदर एक लड़की का रेप किया था, वो 3 लड़के आज सुरक्षित हैं, सरकार बदलेगी, उनके घर भी बुलडोजर से गिराए जाएंगे और उनको भी सड़क चौराहे पे लाया जाएगा, क्योंकि बच्चियों के साथ, देश की बेटियों के साथ जिन्होंने अत्याचार, मणिपुर में भी जो गुंडागर्दी हुई है उसका भी बदला लिया जाएगा। जी सर, अभी जनता के विश्वास का, लोगों के विश्वास करने की एक बात आई, पिछले कुछ समय से लगातार ये देखा जा रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और बड़ी संख्या में सवाल उठ रहे हैं, इसका खूब विरोध भी हो रहा है, लेकिन ना तो उसके लिए जो अथॉरिटी है चुनाव आयोग उसने कोई सुनवाई करी, बल्कि चुनाव आयोग में जिस तरीके से मजाक उड़ा इन सारे मांगों का, इन सारे विरोधों का,
तो इन सबके बीच में कैसे होगा चुनाव, कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष? और लोकतंत्र में जो अधिकार जनता का है, अगर उस अगर इस मांग में या इस शंका में कुछ भी सही है, 1% भी सत्यता है, तो फिर तो पूरी प्रक्रिया ही जो है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऐसे में लोकतंत्र नाम की चीज बचेगी कैसे फिर? नहीं नहीं बचेगी राम प्रकाश जी, बचेगी। आज एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है। क्विंट पे एक पत्रकार ने 2019 में एक आर्टिकल लिखा था, देखिएगा। उसने जितने भी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उसके अंदर केवल इस चीज का मिलान किया, वोट कितने पड़े और कितने गिने गए उसने पाया। अच्छा, ये उसकी अपनी सूचना आंकड़े नहीं है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे पड़े हुए जो वोट बताए गए कि इतने वोट पोल हुए और जो वोट काउंट हुए उसके अंदर उसने तुलना की। जानते हैं कितने नंबर थे उसके पार्लियामेंट सीट्स के? 373। मतलब ये है कि 373, हम लोग असल में अभी तक रावण का नाभि में अमृत है या कहां अमृत है पता नहीं था, अमृत है वो पता चल गया कहां है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, काउंटिंग में गड़बड़ी है। मतलब ये वोट तो पड़े 1,00,000, मान लीजिए 60,000 मिले विपक्षी को, 40,000 मिले बीजेपी को, वोट पड़े 1,00,000, 30,000 वोट ज्यादा काउंट किए गए। आज 60,000 वोट तो हो गए अपोजिशन के, 70,000 हो गए बीजेपी के, बीजेपी जीत गई। तो अच्छा, ये रिट पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये आंकड़े हैं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, इतने पोल हुए और इतने काउंट हुए। तो अभी तक हम लोग जो सारा ध्यान लगा रहे थे कि ईवीएम में मैनिपुलेशन है फलाना है, और वो चुनाव आयोग में मुस्कुरा के कहता था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो है जीत जाते हैं तो ऐसा करते हैं, हारते हैं तो ऐसा करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कर्नाटका में भी सेटिंग हुई थी लेकिन 10,000 वोट की सेटिंग हुई थी और लीड 20,000 की थी इसलिए हार गए। यहां मध्य प्रदेश में 3,000-4,000 की लीड थी, 10,000 की सेटिंग थी, जीत गए। असली मुद्दा है कि जितने वोट पोल हो और जितने काउंट हो उसमें अलग ना हो, और इस बार वीवीपैट भी गायब हो गए। तो देखिए जनता तक बात पहुंच गई है। आज की तारीख में देश के 142 करोड़ लोगों से चुनावी बॉन्ड के बारे में पूछ लीजिए, उन्हें पता है, उनको यह भी पता है कि हमें महंगाई में क्यों जी रहे हैं। इसलिए जी रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने चुनावी बॉन्ड में घूस देकर चीजों के दाम बढ़ाए और हमको महंगी चीजें और नकली चीजें बेची, ड्रग्स हमको, जो दवाइयां हम लेते हैं वो भी नकली बेची, वैक्सीन भी गलत लगाई, नकली लगाई, इसीलिए लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। तो असली आज जो दिमाग खुला है जनता का, ईवीएम पे ध्यान मत दीजिए, पोल वोट्स पोल्ड एंड वोट्स काउंटेड पे ध्यान दीजिए। ये 370 जो कह रहे हैं उसमें 373 से इन्होंने 370 की संख्या पकड़ी है। सर हम लोग जरा राजनीति से, आज मैं थोड़ा सा आपसे अर्थशास्त्र वाली बात समझना चाहता हूँ। जो अर्थव्यवस्था की बात होती है कि हम यहाँ पहुंच रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, इतने नंबर पर आ रहे हैं, एक तस्वीर जो हमें सरकारी आंकड़ों से दिखाई जाती है और एक तस्वीर तमाम जो इस तरीके के अर्थशास्त्री हैं वो दिखाते हैं। कौन सी तस्वीर ऐसी है जो वास्तव में जनता जिसको देखे और समझे कि आज हम कहाँ खड़े हैं? कई बार कर्ज को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, कर्ज को लेकर के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं, क्या कुछ स्थिति है, देश वास्तव में कहाँ खड़ा है? क्योंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई थी कहीं पर कि जो है वो 7-7.5 लाख करोड़ का कर्ज फिर लेने जा रही है, पहले क्वार्टर में सरकार लेगी। तो इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं क्या कुछ सत्यता है उसमें? कर्ज के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर है हमारी? क्योंकि अभी जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया ये दलील देते हुए कि जो है वो मैं फिट नहीं बैठती हूँ चुनाव जीतने वाली कंडीशन पे। हालांकि उसके पीछे उन्होंने जाति और समुदाय का उदाहरण लिया है, लेकिन जो वित्त मंत्री इतनी पॉपुलर हैं, इतनी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिन्होंने साफ साफ सदन के अंदर आंकड़े दिए थे कि भाई महंगाई नहीं है देश में, लोगों की आय बढ़ी है, गरीबी रेखा से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जब इतनी लोकप्रिय वित्त मंत्री हैं तो फिर वो जीत के फ्रेम में फिट कैसे नहीं बैठती हैं? भाई जाती उनके मार्ग में कैसे बाधा के, वो कहती हैं वो ब्राह्मण हैं, जयशंकर जी ब्राह्मण हैं,
अरे बहुत ब्राह्मण जीतते हैं पूरे हिंदुस्तान में, देखिए कम से कम 70-80 ब्राह्मण जीते होंगे, तो ब्राह्मण जाति वाले क्या जीतते नहीं है? ये कैसे उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण एक भी नहीं जीतता है? अरे और उन्होंने दलील ये दी कि मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। अरे उनकी जितनी टैक्सेबल इनकम है वो हिंदुस्तान में 50 लाख लोगों से ज्यादा की टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, और जो 50 लाख लोग होंगे उसमें 40 लाख गुजरात के रहने वाले होंगे। अरे बताइए, 2.5-3 लाख की तनख्वाह है, 2.5-3 लाख की पेंशन है, ये पत्नी की बात कर रहा हूँ, पति और बाकी घर वालों की बात छोड़ दीजिए, मकान फ्री, गाड़ी फ्री, हवाई यात्रा फ्री, दिन में दिन भर मीटिंग होती है, समोसा उसमें सैंडविचेस और कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक मिलती होगी, मुफ्त ही मिलती होगी, कोई ये थोड़ी है कि खाने खिलाते होंगे तो चार्ज करते होंगे। तो असली मुद्दा ये है, सब कुछ फ्री, मकान फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, मेडिकल फ्री, और 6 लाख की तनख्वाह पर मंथ में। अगर उनके पास चुनाव लड़ने की क्षमता आर्थिक रूप से नहीं है तो क्या हिंदुस्तान में केवल अंबानी और अडानी इलेक्शन लड़ेंगे? यहाँ तो मैंने गरीब से गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नेताओं को इलेक्शन जीतते हुए देखा है, अगर आप जनता के संपर्क में है तो। और अगर वे ब्राह्मण है तो इसका मतलब क्या ब्राह्मण जीतते नहीं है? भाई आपने काम नहीं किया है ना, आपने केवल जुमलेबाजी की है। जनता गई आपके पास, साहब प्याज बहुत महंगी हो गई, कहते मैं प्याज नहीं खाती। लोगों ने कहा साहब पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, कह रहे मेरी कार में, मैं थोड़ी पेट्रोल भराती हूँ तो सरकार भराती है। अरे लोग आपसे नहीं चिंतित है महारानी जी, जैसे वो फ्रांस की उनके प्रिंसेस के साथ हुआ था, जनता ने जाके कहा साहब भूखे मर रहे हैं, रोटी खाने को नहीं मिल रही, उन्होंने कहा रोटी नहीं मिल रही तो केक और पेस्ट्री खाओ, क्या परेशानी। तो उसी तरीके की हमारी निर्मला ताई है और जयशंकर जी हैं। अरे विदेश सचिव रहे, वहाँ विदेश में अमेरिका पता नहीं कहाँ एम्बेसडर रहे, 2.5 लाख की उनको भी पेंशन मिलती होगी, 3-4 लाख तनख्वाह मिलती होगी, अभी तक उनके अगर सारे बैंक अकाउंट देखे जाए तो इतनी आमदनी उनकी होगी। अरे यहाँ तो सड़क चलते रिक्शे वाले पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि वो संबंध में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, वोट देते समय आप ये देखते हैं ब्राह्मण है कि ठाकुर है, अरे उस समय देखते हैं कौन अपनी सेवा की, किसने आपकी सेवा नहीं की, सेवा विवाह तो आपने की नहीं, अग्निवीर ले आए जी, हर जगह धोखा दिया आपने देश की जनता को, अब देश की जनता के सामने जाने में डर लग रहा है इन लोगों को जी। अर्थव्यवस्था की तस्वीर वाली बात सर उस पे वो रह गई थोड़ी सी। नहीं देखिए अर्थव्यवस्था, राम प्रकाश जी ये बताइए, मान लीजिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपके बिजनेस का टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट है 10 लाख रुपए साल का मान लीजिए, और लोन कोई नहीं है, अब आप 10 करोड़ का लोन ले लीजिए और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख हो जाए, प्रॉफिट आपका कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो लोन लिया उसको रिपे करना पड़ेगा, है कि नहीं? हिंदुस्तान की वही स्थिति है। जीडीपी जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में थी वो ज्यादा थी, आज जीडीपी की ग्रोथ कम है, लोन 3 गुने हो गए, उस लोन को सर्विस भी करना है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना 7-8 लाख करोड़ का लोन लेना है, ये लोन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि विकास काम कराएं, ये लोन इसलिए ले रहे हैं कि पुराने लोनों को रिपे करें, मतलब कोई कर्जा लेके घी पिए। अगर इक्विटी डेट रेशियो अगर डिटोरिएट किसी कंपनी का होता है, एक सुभिक्षा नाम की कंपनी थी, सिख हो गई बाद में, क्योंकि जब डेट आप लेते जाते हैं पुराने डेट्स को क्लियर करने के लिए और उसको रोटेट करते हैं, वहीं से डेट ट्रैप में कंपनी आती है, वैसे ही देश भी डेट ट्रैप में आता है और हमारा देश डेट ट्रैप में है, जीडीपी बढ़ नहीं रही और जितना भी लोन ले रहे हैं वो पुराने लोन को वापस करने में लगा रहे हैं, और आपका रुपया वीक हो रहा है तो आपके लोन रिपेमेंट की किस्तें बढ़ती जा रही हैं, वी आर इन ए डेट ट्रैप। और खरीद क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं वो, अरे यार मंदिर मस्जिद जो है जब इंडस्ट्री लगा दो उतनी, 3,000 करोड़ की मान लीजिए, वैसे थी वो 300 करोड़ की मूर्ति, वो चाइना से मंगाई और उसमें 3,000 करोड़ देश को दिखा दिया, वो उसमें भी 2,700 करोड़ का घपला कर लिया। असली मुद्दा यह है कि एक इंडस्ट्री लगा देती अगर 3,000 करोड़ की, तो उस इंडस्ट्री में 2,000 बच्चों को नौकरी मिलती, उसी के अंदर एक मूर्ति भी लगा देते 5-7 करोड़ की, अब आप 300 करोड़ की मूर्ति बनाओगे, इंडस्ट्री एक नहीं लगाओगे तो पढ़े लिखे बच्चे नौकरी कहाँ पाएंगे? तो मंदिर बनाइए, अब मैं मेरे भी घर में मंदिर है, आपके भी घर में मंदिर होगा, लेकिन मेरे घर की कीमत अगर 50 लाख है तो मंदिर मेरा 10,000 रुपये का होगा, ये थोड़ी मंदिर बना दूंगा 2 करोड़ का और घर होगा मेरा 1-10 स्क्वायर फीट का। तो मंदिर जो है
उसकी एक जगह है, भगवान की जगह है, अल्लाह की जगह है, सब इष्टों की जगह है, लेकिन भगवान जो है वो हमारे दिल में बसते हैं, एक मंदिर में बसते हैं। अब मंदिर तो बना देते हैं अब 3,000 करोड़ का, और इंडस्ट्री कोई लगाते नहीं, तो बच्चे तो बेरोजगार घूमेंगे ही। जी निश्चित तौर पे ये जो तस्वीर है वो चिंतनीय है और चिंता में डालने वाली है, और लोगों को इस चीज को समझना होगा। तस्वीरें कुछ भी दिखाई जाए लेकिन उसके पीछे के जो आंकड़ों के पीछे की जो सच्चाई है उसको देखा पढ़ा और समझा जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत की जा सके, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तस्वीर काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी कि हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ हैं, और फिर इस रेशियो से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। और ये शायद हमारे लिए और हमारी पीढ़ियों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल सर इस महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।